नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्रेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सपा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया है। दावा किया गया है कि पार्टी का घोषणा पत्र लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर विशेषज्ञों की एक टीम ने तैयार किया है, जिसमें किसान भी शामिल हैं, युवा भी शामिल हैं, महिलाओं को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। इंतजार रहेगा, देखते हैं कि अखिलेश यादव घोषणा पत्र में क्या कुछ वादे उत्तर प्रदेश की जनता से करते हैं। पिछली बार जो वादे किए थे उत्तर प्रदेश की जनता से समाजवादी पार्टी ने, उन पर यकीन जनता ने नहीं किया, बीजेपी के घोषणा पत्र पर भरोसा जताया। इस बार क्या 24 में हालात बदलेंगे, ये देखना होगा। घोषणा पत्र में खास तौर पर युवाओं पर फोकस किया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। किसानों पर भी समाजवादी पार्टी फोकस करेगी और महिलाओं पर भी फोकस करेगी। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव जो है पार्टी का मैनिफेस्टो, जिसको विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया गया है, उसको जारी करेंगे। और इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे एक एक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बीजेपी की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है, दीर्घभ्रमित है, उनके पास नीति और एजेंडा नहीं है। वो 0 सीट पाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उससे हमारा कोई मतलब नहीं, वो जाने वाले। बीजेपी लगी हुई है अपने पूरी ताकत मेहनत के साथ। विपक्ष क्या कर रहा है वो उन लोगों से पूछे। ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर एक विजन है, लेकिन अखिलेश यादव ने भले ही विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया है इस मैनिफेस्टो को, लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं है और वो इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में 0 सीट पाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से जनता त्रस्त हो गई है, वादों के हिसाब से काम नहीं किया है, तो इस बार बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। आप जानते हैं कि इस बार लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो फाइट रहती है, चाहे विधानसभा चुनाव की हो या लोकसभा चुनाव की हो, बेहद दिलचस्प रहती है। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो दिल्ली का रास्ता, दिल्ली की गद्दी भी उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। लेकिन आज नजर समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर रहेगी, जिसको विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मानस श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है। मानस, इस बार समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या अलग, क्या खास देखने को मिल सकता है? देखिए, युवाओं और बेरोजगारों को लेकर के समाजवादी पार्टी आवाज उठाती रही, तो निश्चित तौर पर आज का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें बेरोजगारों के लिए जरूर कुछ ना कुछ ऐलान किया जाएगा। पिछले 2-3 घोषणा पत्रों में देखा हमने कि लैपटॉप को लेकर के खासतौर से जिक्र किया गया, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो लाखों छात्रों को लैपटॉप फ्री में दिए गए थे, तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि जरूर घोषणा पत्र में जिक्र होगा। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिस फार्मूले पर इंडिया गठबंधन और खासतौर से समाजवादी पार्टी काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों के लिए जरूर कुछ कल्याणकारी वादे किए जाएंगे, कुछ घोषणा पत्र में जरूर जिक्र होगा। तो ये माना जा रहा है कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट आने जा रहा है, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आने जा रहा है, निश्चित तौर पर इसमें किसानों को लेकर के भी बात होगी, इसमें बेरोजगारों को भी लेकर बात होगी, युवाओं पर खास तौर से फोकस होगा, और साथ ही साथ महंगाई बेरोजगारी को लेकर के भी कुछ ना कुछ वादे जरूर किए जाएंगे। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी का जो भी जनाधार है वो उत्तर प्रदेश में ही, लिहाजा उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए ही ये घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ साथ, हाँ, ये देखना जरूर होगा कि कई बार पीडीए में जो अल्पसंख्यक है उसको ए को अगड़ा भी कहा जाता है, तो उसके लिए किस तरीके की घोषणाएं होती हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पिछले तमाम हमने घोषणा पत्र देखे समाजवादी पार्टी के, उसमें खास तौर से युवाओं को, खास तौर से किसानों को, खास तौर से बेरोजगारों को तरजीह दी जाती है, छात्रों को तरजीह दी जाती है, तो मुझे लगता है कि इस बार भी जो घोषणा पत्र होगा वो इसी के इर्द गिर्द ही होगा। ठीक है, मानस, नजर रखिएगा अभी।